सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी विजय इंसाम बर्मिंघम इंग्लैंड से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागवत जी इंसाम भजन सुनाएंगे जी। और सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत ही खुशी का यह महीना है। शहनशाहों के शहनशाह वालिदो जहान परम पिता शास्त्र राम जी महाराज का पावन अवतार महा, तो सभी ने पावन अवतार महा की एक नारे के साथ पूजा हजूर पिताजी को बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिस सतगुर जग विच आए ने, रूहाने तड़प बुलाए ने, जी चोला बंदे दा पाके रूहानू लेने आए ने। जनवरी सुख भरी लेके आई दातार जी, जी सतगुर जग विच आए ने, रूहाने तड़प बुलाए ने। चंद सूरज पे सजदा कर दे चूमे धरती सारी, त्रिलोकी विच छाइया खुशियां चढ़ गई अजब कुमारी, जी सतगुर जग विच आए ने। तन तन है जी मात पिता नू जिन्ना दे खुदा घर आए, रब दा ऐसा छाया चंद सूरज शर्माए, जे सतगुर जग विच। जा सतनाम जी सहारे रुके ने खंड ब्रह्मंड ये सारे, तन तन जी सानु दर्श दिखाया असी जाइए बलिहारे, जे सतगुर जग विच आए ने। दास की गुण तेरे गाए मीत बनाने वाले, तेरी रहमत नाल ही दाता खुशियां छाइया सारे, जे सतगुर जग विच आए ने, रूहाने तड़प बुलाए ने। चोला बंदे दा पाके रूहानू लेने आए ने, जनवरी सुख भरी लेके आई दातार जी, जे सतगुर जग विच आए ने, रूहाने तड़प बुलाए ने। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हो नाम जपाने आए हैं कुल मालिक, हम सब पे सतगुर ने बड़ा उपकार किया है, कि सच्चा प्यार दिया है कि बेड़ा पार किया है, कि सच्चा प्यार किया है कि बेड़ा पार किया है, कि सच्चा प्यार दिया है। हो नाम जपाने, नाम जपाने, धरत पे आए रूहों ने है मंगल गाए, दुखड़े मिटाने आए हैं कुल मालिक। हो दुखड़े मिटाने, दुखड़े मिटाने आए हैं कुल मालिक, हम सब पे सतगुर ने बड़ा उपकार किया है, कि सच्चा प्यार दिया है कि बेड़ा पार किया है। हो नाम जपाने, नाम जपाने, ईर्ष्या में डूबा ये जग सारा, नफरत ने है सबको मारा, नफरत ने है सबको मारा, प्रेम सिखाने
आए हैं कुल मालिक हो प्रेम सिखाने, प्रेम सिखाने आए हैं कुल मालिक हम सबको। सतगुरु ने बड़ा उपकार किया है कि सच्चा प्यार दिया है कि बेड़ा पार किया है। ओ नाम जपाने, नाम जपाने। शाहसत नाम जी तरस कमा के काल की जेल से हमको छुड़ा के, काल की जेल से हमको छुड़ा के निज घर ले आने आए हैं कुल मालिक हो निज घर ले जाने, निज घर ले जाने आए हैं कुल मालिक हम सब पे। सतगुरु ने बड़ा उपकार किया है कि सच्चा प्यार दिया है कि बेड़ा पार किया है, कि सच्चा प्यार दिया है कि बेड़ा पार किया है। हो नाम जपाने आए हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी सजनवा जी, प्यारी सत्संग जीओ, सतगुरु मुर्शिदे कामिल दाता रहबर शासत नाम जी दाता, वो इंसान जिसको पूर्ण मुर्शिदे कामिल मिल जाया करते हैं अति भाग्यशाली होते हैं। हर इंसान सहारा चाहता है, पशु परिंदे भी सहारे के बिना नहीं रहते, इंसानों में भी जरूरत होती है। और फिर वो सहारा लोग आपस में ढूंढते हैं, पति पत्नी में, यार दोस्त मित्र में सहारा बन जाता है। पर ये पता नहीं वो सहारा वाकई में सही है या टेम्परेरी है या परमानेंट है, ये राम जाने। और वो जो सहारा बना है क्या वास्तव में आपकी बुराइयां आपको बताता है? क्या वास्तव में आपको सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा देता है? ये भी पता नहीं। दोस्त अच्छा वो होता है जो दोस्त की कमी बता दे। दोस्त वो घातक होता है जो कमियों पे भी ताली बजाता है। ये जिंदगी में हमेशा याद रखिए। तो ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र जो इस जहान में नहीं अगले जहान में भी साथ दे, ऐसा दोस्त ऐसा मित्र सच्चा मुर्शिदे कामिल होता है। हमें वो मिला शाश्वत नाम श्याम मस्तान दाता के रूप में है और हमेशा रहेगा। ऐसा दोस्त शायद रूहानियत में कभी सुनने को भी नहीं मिला। हमने यहां तक सभी धर्मों को पढ़ा, यह जरूर कहा गया कि भाई अब हमारे बाद फलां, फलां के बाद फलां, लेकिन यह पहली बार हुआ हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। बात ही खत्म कर दी। पहले यह होता था कि कोई भी पुराने टाइम का बादशाह है और वो बादशाह ना रहा तो उसका हुक्म नहीं चलता, जो बादशाह बन जाता है उसका हुक्म चलता है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि बादशाह ही बादशाह था, बादशाह है और बादशाह ही रहेगा। बात ही खत्म हो गई। रूहानियत में ये पढ़ा करते थे कि जिस गुरु से नाम लिया उसका स्वरूप ध्यान में रखो, क्योंकि आपने उस बॉडी से नाम लिया है उसी का ध्यान में रखोगे तो फल मिलेगा। पर शास्त्र नाम जी दाता ने काम ही खत्म कर दिया, ये कह के हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, तीनों में से जो मर्जी करते रहो, क्योंकि उनके वचन कोई रोक टोक नहीं। अब नाम लेते हैं साईं मस्ताना जी महाराज के दर्शन होते हैं, मस्ताना जी महाराज से नाम लिया अब के दर्शन होते हैं, होते उन्हीं के हैं, लोगों को भ्रम है। तो ये हैरानीजनक बात है रूहानियत के अनुसार, बेमिसाल या कहीं लाजवाब
तो कोई दो राय नहीं। तो ऐसा मुर्शिद, ऐसा सदगुरु मिला जिसका अरबों बार खरबों बार नमन करें उतना कम है, और हम हमेशा करते ही रहेंगे। चलना सिखाया उंगली पकड़ के रूहानियत के रास्ते पे। यहां कोई दिक्कत आई, मार्गदर्शन करके उनसे बाहर निकलना सिखाया। तो ऐसे मुर्शिदे का मिल, ऐसे दाता रहबर का शुक्राना करना है। कई बार इंसान के अंदर आता है कि मैं अपने मुर्शिद को, अपने सदगुरु को कोई उपहार दूं, तोहफा दूं, बनता भी है। जब जान न्योछावर है, बाकी चीजें क्या पीछे रह जाती हैं? जान के साथ ही तो चीजें बनती हैं। बाकी तोहफे इंसान देता है या नहीं देता, लेकिन सदगुरु जो तोहफे लेता है बेमिसाल है। आप में जो बुराइयां हैं वो दे जाओ, आपकी जो कमियां हैं वो दे जाओ, जो पाप कर्म किए हैं वो छोड़ के यहां फेंक जाओ, और आप राम नाम लेके बिल्कुल फूल की तरह खिल के घर चले जाओ। ऐसे तोहफे तो दुनिया में कोई कबूल नहीं करता। सुना है कभी आपने, मेरे लिए डायमंड का चाहिए, मेरे लिए सोने का चाहिए, मेरे लिए गाड़ी चाहिए, मेरे लिए हेलीकॉप्टर ले दो। लोग अमीर ऐसे चीजें लेके देते रहते हैं। क्या ऐसा सुना है कोई किसी के कर्म उठाता हो? ऐसा सतगुरु मुर्शिद ने करके दिखाया, दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। एक बार किसी ने सवाल किया कि संत तो बाली दो जहान होते हैं, फिर परमपिता जी बीमार क्यों हुए? हमने कहा आपकी बीमारियों की वजह से। आप तंदुरुस्त क्यों हुए ये सोचो, अगर ये सोचने लग जाओगे रूहानियत से तो अपने आप समझ आ जाएगी संत पीर फकीर क्यों किसी के बोझ लेके बीमार हो जाया करते हैं। वरना वो जिनको मालिक भेजे इस धरती पे अपना रूप बना के, बीमारी का क्या लेने देना उनके आसपास। ये तो काल से टक्कर होती है कि तमाम मालिक के जो प्यारे होते हैं, मुरीद होते हैं, उनके पाप कर्म कटते हैं। तो संत पीर फकीर मालिक से दुआ करके मालिक से कटवा देते हैं, नाम के समय उठवा लेते हैं या उठाने पड़ते हैं। उठाते शासत नाम श्याम मस्तन, सबके पाप कर्म और उठाते ही रहते हैं जब तक आदमी खत्म नहीं होता। जिसका दृढ़ यकीन है, जिसका दृढ़ विश्वास है, उसके कर्म कटते रहते हैं। किसको सख्त अल्फाज बोल दिया उसके कर्म आने वाले होते हैं, वो कट जाते हैं। आदमी गुस्से जरूर होता है, यार मुझे क्यों बोला, मेरे को कहा, मेरे को ये, मेरे को वो, उसे क्या पता उसका कितना भला हो जाता है, ये तो राम जानता है या फकीर जानता है। तो संतों का काम सबका भला करना होता है, दिखाना नहीं होता। और वो कभी किससे रूठते नहीं, आप रूठते हो आपस में, आप रूठते हो अपने पीर फकीर से, आप रूठते हो अल्लाह राम से। इसलिए आपको लगने लग जाता है कि भाई संत भी मेरे से रूठ जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण एक और होता है, जब आप गलतियां करते हो, जब आप बुरे कर्म करते हो, वचनों की काट करते हो, करते खुद हो, खुद को दोष ना देके संतों को मड़ देते हो कि उसमें कमियां हैं। तो हकीकत है हमने अपने मुर्शिद शाह सतनाम श्याम मस्तान में ना कभी कमी देखी, ना देखी है और ना देखेंगे। ये उनका रहमो करम, क्योंकि संत कई बार ऐसे ऐसे कर्म करते हैं इंसान तंग रह जाता है। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, तो उन्होंने साथ में शायद रविदास जी और एक और को, वैश्या थी, उनको ले लिया। और शराब की ऐसा लगा बोतलें पीते जा रहे हैं, सभी को चार चार पांच पांच बोतलें थमा दी कि सारे पकड़ लो भाई। तो बोतलें पकड़ ली एक एक दो दो सबके पास, खुद ऐसे बोतल ले ली साथ में, एक आधी गूंद पी भी। और एक राजा थे उनके, राजपूत वीर सिंह जी शायद, अभी पूरा ख्याल में नहीं। तो उनके दरबार में जा पहुंचे, तो देखना ये था, लोग ये कहते थे कि वीर सिंह तो कबीर साहब के बहुत बहुत बड़े भक्त हैं, जब भी कबीर साहब जाते हैं वो गद्दी छोड़ देते हैं और खुद साइड में बैठते हैं। लेकिन उनको अहंकार आ गया था कि मैं ही मालिक का सबसे प्यारा हूं। तो जैसे वो कबीर साहब जी बोतल लिए, एक तरफ बैश्या एक तरफ रविदास जी, तो उसने देखा भी है मेरा गुरु ये
छोटी जात वाले लोग हैं और ये और कबीर साहब ने सामने वो पिया तो कि ये शराब पी रहे हैं, तो उन्होंने गद्दी नहीं छोड़ी। सारे हैरान किए, तो बड़ा भक्त था, ये क्या हुआ? तो जो रविदास जी थे साथ में और वो दौड़ के गए, कहते तेरी अकल में फर्क आ गया क्या? कहते यार ये शराब पी रहा, गुरु भी कभी शराब पीते हैं? कहते बेवकूफ, गुरु पे शक करता, पूछ के तो देख ले क्या हो रहा है। तो उसने मन में ठेस लगी कि वाकई मेरी गलती है, मैंने शक क्यों किया? फिर भी मन तो हावी हो ही चुका था, साइड पे उतरा सिंहासन से और कहने लगा जी ऐसा क्यों हुआ? तो कबीर साहब मुस्कुराए, कहने लगे बादशाह तेरा जो मन हावी हो गया तेरे पे, ये तेरी कमी है। हम तो ये पानी बोतलें इसलिए पी रहे हैं, गर्मी लग रही है हमें, क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर को आग लगी है, लोगों की श्रद्धा है वहां, आप जाके देख लो चाहिए अगर आपको यकीन नहीं तो। कहते घोड़ा घोड़े से उसने अपने अलाहकार भेजे, क्योंकि ऐसा था कि भाई वाकई सच है कि झूठ कईयों को होता है। तो वो दौड़ के गए, जो टाइम कबीर साहब जी ने बोतलें उंडेली और पी रहे थे वाकई उस टाइम वहां आग लगी हुई थी। तो फिर लंबा लेट गया, कबीर जी कहने लगे हम तो देख बताना चाहते थे कि बेटा दुनिया भली से भली, मालिक के प्यार में कौन कितना है ये कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए आप चोर नाल की यार नाल की तू अपनी निवेड़ तेन होर नाल की, अपनी कमियां दूर करते जाओ, मन की हाथी चढ़ो ना सिमण करो और अपने मुर्शद का शुक्राना करो जितना कर सकते हो। शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर का ये जन्म महीना है, अपनी कमियां निकालो, तमाम कमियां दूर करते जाओ, दूसरों की कमियां नहीं गुण देखो ताकि वो गुण आपके अंदर आ जाएं, आपके अवगुण दूर हो जाएं और मालिक की दया में रहमत से खुशियों से आप माला माल हो जाएं। उसको भावना पसंद है, उसको दिखावा नहीं पसंद। शुद्ध भावना करो, मालिक का सुमन किया करो ताकि मालिक की तमाम खुशियां जो वचन है वो आपको हासिल हो सके। तो प्यारे सत्संग जियो, बात करने वाले भारत से, श्रीनगर जम्मू से, मुंबई महाराष्ट्र, हरिपुर हिमाचल प्रदेश, जल्दी से और शॉर्ट में बात करो, बोलो भाई। पिताजी दानदान सतगुरु त्रेयासरा जी, बोलो जी। पिताजी आप जी का बेटा हरजिंदर सिंह एंसा श्रीनगर आर्मी तो बोल रहा हूँ जी। बोलो जी। पिताजी सब तो पहला मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि आपसे बात कर पाऊँ जी। जी हम पिताजी सब तो पहला मैं आप जी को विधवा शाह सतनाम जी महाराज के जन्मदिन की लाख लाख बधाई देता हूँ जी। जी और नवे साल की भी बधाई देता हूँ जी। पिताजी मैं आप जी से अपने सारे परिवार के लिए आशीर्वाद लेना चाहता हूँ जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। पिताजी मेरे पापा जी पहले तो सच्चा सौदा में आते ही नहीं, आना ही नहीं चाहते थे। पिताजी आप जी की रहमत से वो आ गए थे पर उन्होंने दस नहीं छोड़ी। आप जी रहमत करो के वो मेरे पापा जी दारू बिना छोड़ जान और आप जी के चरणों के साथ और निभ जाएं। बेटा घर में कहो कि खाना नाम जप के बनाया करें लगातार और मालिक आपको खुशियां बख्शे, दिया में रहमत से नवाजे और जन्मदिन आपको भी मुबारक बेटा, आशीर्वाद। गांधन सतगुरु जी तेरा याद रख। जी बेटा आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य पिताजी मैं ईशा इंसा डॉटर इन लॉ कुलभूषण जी इंसा पश्चिम एम जी राजस्थान मुंबई से बोल रही हूँ जी। जी जी से बात करने का पहली बार मौका मिला है जी, तो हिम्मत देना पिताजी, बहुत घबराहट हो रही है जी। बोलो बेटा। पिताजी आप कैसे हैं जी? बेबरा जी की रहमत है बेटा, आप सुनाओ। बस पिताजी आपकी रहमत है पिताजी, सब बढ़िया। पिताजी सबसे पहले आप जी को, पूरे परिवार को, वो सारी सात संगत को और तार माँ की बहुत 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 बधाई जी। जी आपको भी बधाइयां बेटा और बहुत आशीर्वाद। पिताजी आप जी की हमारे पूरे परिवार पर बहुत बहुत रहमतें हैं जी, बस इसी तरह अपनी मेहर करी रखिएगा पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी आप जी ने अपने कीमती समय में से जो हमें समय दिया है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पिताजी। जी आपको भी आशीर्वाद बेटा। पिताजी आप जी ने जो परिवार दिया है हमें उसके लिए आप जी को बहुत बहुत धन्यवाद है जी। पूरे परिवार में बहुत ही प्रेम प्यार है पिताजी, बस अपनी रहमत इसी तरह बनाई रखिएगा पिताजी। जी बेटा मालिक से दुआ करेंगे, मालिक खुशियां बख्शे, वचनों पे रहो बेटा।
पिताजी विकास तो जॉब में है जी, मैंने अपना बुटीक पापा जी की एक कजन है बॉम्बे में जो 20 साल से रह रहे हैं उनके साथ शुरू किया है जी, आप जी का आशीर्वाद चाहिए पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद, और अपना हिसाब किताब जल्दी जल्दी आपस में क्लियर कर लिया करो बेटा, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद पिताजी। जी बोलो। पिताजी मैं आपका बेटा प्रशांत देसा हरिपुर ब्लॉक से बात कर रहा हूँ। पिताजी बोलने की ताकत देना। जी बोलो। पिताजी आप कैसे हो? बेबराज की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी आप जी की रहमत है। पिताजी बोलने की ताकत देना, पिताजी घबराहट हो रही है काफी। कोई नहीं, घबराओ ना बेटा, आशीर्वाद बोलो। पिताजी आप जी को पहले सारे परिवार की तरफ से जन्म माँ की अलग अलग बधाई हो गई पिताजी। जी आपको भी मुबारकबाद आशीर्वाद। पिताजी आप जी की हमारे परिवार पर काफी रहमत है पिताजी, पर मेरे से पिताजी बहुत गलतियां हुई हैं बच्चों के प्रति पिताजी। दोबारा बोलो बेटा। पिताजी आप जी की हमारे परिवार पर काफी रहमत है पिताजी, लेकिन मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं बच्चों के प्रति। गलती नहीं करनी चाहिए बेटा, सारी खुशियां चली जाती हैं, और सच्चे दिल से तौबा करो, लगातार सुमन करो, गलती मालिक माफ करेंगे और फिर से खुशियां देंगे, नारा लगा दो। धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद पिताजी। मेरा कॉन्फिडेंस भी काफी लो हो गया है पढ़ाई के प्रति, मैं डिसीजन ले नहीं पाता हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। कोई नहीं, अब सुमन करना बेटा, मालिक जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे, और टेंशन मत लो पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ तो पिताजी आप मुझे रास्ता दिखाएं। सुमन करें बेटा, आपको बोला ना कि आगे तो वचनों में गलती थी, और गलती मत करना, जब गलतियां करते हो तो मालिक वो चीज नहीं दिखाते, और आप लगातार सुमन करोगे तो फिर से मालिक रहमत करेंगे। ठीक है धन धन सतगुरु तेरे आशीर्वाद जी। आशीर्वाद बेटा, सुमन करना, वचनों में रहना। सो लाइव मैसेज जी, कितने इंसान इस हम यूके से, प्यारे पिताजी वीजा एक्सटेंड के लिए फाइल लगाई थी लेकिन मेरा वकील फीस और पासपोर्ट लेकर भाग गया, मार्गदर्शन क्या करूं, लड्डू है प्रसाद बना दो। सुमन करो बेटा, और किसी अच्छे वकील से राय लेके बात करो कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है क्या करूं, इधर इंडिया से भी पता करवा लो और उधर भी, तो ये जो बात करवा रहे हैं आप इनका मदद करो भाई, पता करके बताओ कैसे ये उड़िया करे। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया, ले लेना मालिक साथ। दर्शन सिंह इनसम ब्रह्मपटन कनाडा, मेरे पिताजी आज मेरा 60वां जन्मदिन है, बिस्कुट है ड्राई फ्रूट है प्रसाद बना दो। आशीर्वाद जन्मदिन मुबारक बेटा, प्रसाद बन गया ले लेना, मालिक खुश दे। राजेश इंसान यूएसए, 12 जनवरी को शादी है, सब कुछ ठीक हो जी, रहमत करा। सुमन करते रहना बेटा, और विवाह शादी सुख सुविधा से संपन्न हो, मालिक से दुआ करते हैं, आशीर्वाद। डॉक्टर मोहित इंसान साइंटिस्ट रोस्टॉक जर्मनी, पहले पिताजी परमपिता शास्त्राम जी महाराज के पावन अवतार की खुशी, मैंने यूनिवर्सिटी क्लिनिक रोस्टॉक में 12वीं बार ब्लड डोनेट किया है, इस तरह सेवा सुमन का आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया, प्रसाद बन गया ले लेना, मालिक खुशी दे, दया में रहमत से नवाजे, शाबाश आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना। विदेश से आए सुधीर ससाने और ऑक्साना कोहालचुक मोजामा, ग्रेजुएट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टॉक जर्मनी से, मोस्ट वेलकम, यू कम हियर, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत और आशीर्वाद, प्रसाद ले लीजिएगा। सो आशीर्वाद, प्लीज टेक योर सीट, आशीर्वाद आशीर्वाद। और विदेश जाना है गणतंत्र इंसान, प्रसाद ले जाना बेटा, सुमन करते रहना, बचनों पे रहना, मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद, और बचनों पे रहना, सुमन करना, सो बैठ जाए बेटा, प्रसाद ले जाना। विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस इंडिया में IVR के माध्यम से 16,506 कनेक्शन पर 57,325 की तादाद में सासंग लाइव मजलिस में, सबको बहुत आशीर्वाद। लाइव वीडियो पर 1,365 कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में सासंग लाइव देख रही सुन रही हमें नजर आ रही है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। दिल की सेज को बना लिया है घर तेरा, जान से भी प्यारा लगे हमें यह दर तेरा, खिल उठा चमन ये मेरा जब देखा सुंदर सोना रूप तेरा। शास्त्रान भी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स व स्टाफ आप जी को पावन तार माह की कोटि कोटि बधाई देते हैं और घरों में चरण डालने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब तार माह की खुशी में 21,000 रुपए दिन दुखी मध्य बैंक में जमा करवा चुके हैं, खड़े हो जाए जी, और सुंदर सा कार्ड भी इन सब ने बनाया है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे, और जरूर समय के अनुसार देखेंगे बेटा, सबको बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद, बैठ जाए, प्रसाद ले लेना जी, आशीर्वाद बेटा।
बरसात रहमत की करने खुदा आ गया, दर्शक को जिसके तड़पते थे वह दतार आ गया। तेरे लिए माइया असी हार श्रृंगार करते हाँ, पलकां विछा के तेरा इंतजार करते हाँ। MSG कंपलैक्स में चरण टिकाओ दाता जी, तुहाडे चरणां च अर्ज बार बार करते हैं। परम पिता शास्त्राम जी के अवतार मां की खुशी में मान तो अपलाई फंड खाते में 7770 रुपए जमा करवा चुके हैं और ये कौन सा ब्लॉक है भाई जी? MSG कंप्लेक्स जी, आशीर्वाद बेटा। सो एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है, सेवा सुनो मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, नारा लगा के बैठ जाओ बेटा और समय के अनुसार जरूर देखेंगे। आशीर्वाद प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए और ये दिन दुखी मध्य बैंक में 11,000 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद मरणोपरांत नित्यदान 7, शरीर दान 4, दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़की का नाम सुनील इंसा, पुत्र महेंद्रपाल इंसा जी के निवासी सरसा, जिला सरसा हरियाणा। लड़की का नाम शिखा इंसा, पुत्री विजय कुमार इंसा जी की निवासी संगरिया, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी। और ये दोनों बच्चे शास्त्र परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते हुए इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते। जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा है, नाम लिया था जी, परिवार दोनों तरफ आए बांडी बठिंडा से, खड़े हो जाएं, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। तो बेटा जिसने नाम लिया था आत्मा मालिक की गोच बैठ के ज्यो त्यों ने जिता आम सचखंड सतलोक नामी जरूर जानी है। अस्थियां फुल लेके आयो या तो खुद का खेत गहरा टोआ पुट के उत्थे दबा दो या बड़ी नहर नदी किनारा ला के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी है आत्मा की संभाल मालिक ज्यो त्यों जरूर करते हैं। सो प्रशाद ले लो, जो जख्म देंदा मरम जोड़ देगा, प्रशाद लेने तो बाद बैठ जाना है जी। और सात संगत में कोई नशा छोड़ने वाला आया है, 7 दिन रुकना होगा, परिवार का एक आदमी साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरन करना है, रहना फ्री खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। लेकिन ख्याल रखिए जब नशा छोड़ के जाओगे, यार दो जो नशेड़ी हैं उनका संग उनकी सोबत हरगिज नहीं करना। सत्संग में प्रसाद पहन शादी के कपड़े बच्चे कपड़े गाड़ी की चाबी मकान की चाबी को लेके आए कि आशीर्वाद लेना है, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो, सारे सत्संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद, सामान नीचे कर लो। तो जो भी सत्संगत आश्रम में आई आप सबका बहुत बहुत स्वागत, जी आया नु खुशामदीद कहते मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय बैठे रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय साधन के मुताबिक आप जा सकते रहने का, जैसे सेवादार भाई बताए रहना, सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपने अपनी जगह पर बैठे रहें।